नाइन देखिए क्या कह रहा है, ए ट्रेन कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 90 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड, हैड द स्पीड बीन 15 किलोमीटर पर आवर मोर, इट वुड हैव टेकन 30 मिनट लेस फॉर द जर्नी, फाइंड द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन। क्या कह रहा है कि एक ट्रेन है जो 90 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है अपने यूनिफॉर्म स्पीड से, अगर हम उसका स्पीड 15 किलोमीटर पर आवर बढ़ा देते हैं तो वह 30 मिनट कम लेती है इस 90 किलोमीटर के जर्नी में, तो इसका ओरिजिनल स्पीड निकालना है। तो लेट द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन इक्वल टू में एक्स किलोमीटर पर आवर। अच्छा, हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, टाइम इक्वल टू में होता है डिस्टेंस बाय में स्पीड। ठीक है, अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं क्या कर रहा है। ए ट्रेन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 90 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड, तो 90 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है किस स्पीड से, एक्स किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। लेकिन अगर हम लोग इसमें क्या करते हैं, 15 किलोमीटर पर आवर स्पीड इंक्रीज कर देते हैं, तो ये टाइम कम होगा इसके रिस्पेक्ट में कितना, तो 30 मिनट, तो 30/60 कर देते हैं आवर में बदलने के लिए 1/2। यहाँ पर हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, एक्स इंटू में एक्स प्लस का 15, यहाँ इससे डिवाइड करेंगे कट जाएगा, ये जाकर मल्टीप्लाई करेगा, तो 90 इंटू में एक्स प्लस का 15 माइनस इसमें डिवाइड करके कट जाएगा, एक्स जाके मल्टीप्लाई करेगा, तो 90x इक्वल टू में यहाँ हो जाएगा 1/2। चलिए यहाँ पर 90x प्लस का यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ तो यहाँ 1350 हो जाएगा, ठीक है, और माइनस का 90x बाई में नीचे है आपका एक्स स्क्वायर प्लस का 15x इक्वल टू 1/2, ये इससे कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस का 15x इक्वल टू में यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2700 है ना जी, इसको इधर लेके चले जाते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस का 15x माइनस का 2700 इक्वल टू में 0। अब इसका यहाँ फैक्टर करने वाले हैं, एक्स स्क्वायर प्लस का यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं कितना, यहाँ ले लेते हैं 60x और माइनस का 45x माइनस 2700 इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए यहाँ सब्ट्रैक्ट होगा तो 15x मल्टीप्लाई होगा तो इनके प्रोडक्ट इक्वल, x कॉमन हो जाएगा तो x प्लस का 60 आ जाएगा, माइनस 45 कॉमन करते हैं x प्लस का 60 आ जाएगा, दोनों ब्रैकेट में सेम है, x प्लस 60 को कॉमन कर लेते हैं, x बच जाएगा यहाँ माइनस 45 इक्वल टू में 0। अब यहाँ से हम लोग अलग अलग कर लेते हैं, तो x प्लस 60 इक्वल टू में 0 और यहाँ x माइनस 45 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस का 60 और यहाँ x इक्वल टू में 45। यहाँ पर लिख सकते हैं कि स्पीड कैन नॉट बी निगेटिव। ठीक है, तो हमारा x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा, यहाँ लिख सकते हैं कि हेंस द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन, ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन 45 किलोमीटर पर आवर। समझ गए क्वेश्चन।